Hi friend, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss the landmark case of constitutional law which is mentioned in our case mat. Rameshwar Prasad versus Union of India, ये 2006 का केस है. ये जो केस है वो presidential rule यानी कि Indian Constitution का article 356 पे based है. इस केस के फैक्ट इस वक्त जजमेंट पर फोकस करते हैं. इस केस के फैक्ट ये हैं कि जब 2005 में बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के परिणामों के अनुसार जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो सरकार बनाती है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट मीटिंग से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज कर दिया जाता है इस ग्राउंड पे कि ये जो पार्टी मेजोरिटी में आई है वो इलीगल मीन्स से आई है और साथ ही साथ इमोरालिटी के ग्राउंड पे इसने अपनी सरकार बना ली है. तो इस केस में प्रेसिडेंशियल रूल जो बिहार पर इम्पोज किया जाता है उसके अगेंस्ट मतलब उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में. तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दे, लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल जो लगाया जाएगा वो रीजनेबल ग्राउंड और रिलेवेंट ग्राउंड पर लगना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो रीजनेबल और रिलेवेंट ग्राउंड पे होना चाहिए. लेकिन इस केस में जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो इमोरालिटी के ग्राउंड पे, जो कि रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरी तरह से इररिलेवेंट है क्योंकि जो मोरालिटी का जो कंसेप्ट है बहुत ही व्यापक है. हो सकता है कि किसी के लिए मोरालिटी किसी और के लिए इमोरालिटी हो. तो चूंकि मोरालिटी का जो कंसेप्ट है बहुत ही कंप्रिहेंसिव है तो आप उसको वन डायरेक्शनल यानी कि यूनि डायरेक्शनल नहीं देख सकते हैं. और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अगर आप इमोरालिटी के ग्राउंड पे अगर आप प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं तब तो आप किसी भी स्टेट में इमोरालिटी के ग्राउंड पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर मान चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और की पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट में किसी और की पार्टी है, तो फिर आप उस स्टेट गवर्नमेंट पे इस ग्राउंड पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा देंगे कि वहाँ पे इमोरालिटी है, तो आप तो अपने पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. इसलिए अगर प्रेसिडेंट इमोरालिटी के ग्राउंड पे अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगाता है तो वो इररिलेवेंट ग्राउंड होगा और सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस में प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमनेशन यानी कि इमरजेंसी जो इम्पोज किया जाता है बिहार स्टेट पे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इमरजेंसी प्रोविज़न हटा देती है. तो ये है इस केस के फैक्ट इश्यू और जजमेंट. वैसे ये जहाँ तक बात है इमोरालिटी के ग्राउंड पे कहीं पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाना, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है जहाँ पर लॉर्ड डलहौजी जो है वो कुशासन के आरोप पे अवध का विलय कर देते हैं. तो वहाँ पे भी यही होता है कि अवध के ऊपर इस चीज़ का आरोप लगता है कि आपके यहाँ प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, कुशासन इमोरालिटी है, इसलिए हम आपका विलय कर ले रहे हैं. तो यही सेम टू सेम जो अगर देखा जाए तो सिनेरियो जो है इस केस में प्रेसिडेंट के द्वारा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है प्रेसिडेंशियल रूल को. तो यही है इस केस का फैक्ट इश्यू जजमेंट. और ये केस जो है रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वो हमारे केस मैट का लास्ट केस है यानी केस नंबर 60 है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे वीडियोस में आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, लेकिन फिर भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी और बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर एग्ज़ाम्स. थैंक यू सो मच.